आज हम भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाने को एकत्रित हुए और बड़ा ही गर्व की बात है कि आज का विषय है राष्ट्रवाद के निर्माण में समतामूलक समाज की संकल्पना। समतामूलक समाज की उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज देखते हैं, लेकिन जब यही विचार हमारे राष्ट्र स्तर पर, हमारे राज्य स्तर पर, हमारे समाज की बात आती है तो हम आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। समतामूलक की उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपके परिवार में अगर दो भाई, नो डाउट मम्मी पापा भी होंगे, लेकिन आपके एक भाई अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए जो आपके घर का दूध का सीमित संसाधन होता है, आपको भी दो एक गिलास दूध मिलता है, आपके भाई को भी दूध एक गिलास दूध मिलता है। लेकिन जब आपके भाई बीमार होते हैं तो आप दूध ना पी करके आप अपने भाई को दूध प्रोवाइड कराते हो, इसलिए कि हमारा भाई जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से स्वस्थ हो जाए और फिर पारिवारिक कार्यों में वो हमारा साथ दे। और यहाँ हम खुशी खुशी अपना दूध का कंसेप्ट अपने भाई को देते हैं, लेकिन जब यही विचार हमारे राष्ट्र पर आता है, जब हमारे देश का, हमारे समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कोई पिछड़ा हुआ शिक्षा से वंचित होकर के बैठा रहता है और उसे शिक्षा का संकल्पना जलाने की बात आती है तो हम आँख बंद कर लेते हैं। हमारा समाज इसी कारण धूमिल होते जा रहा है। यही बात है कि आज भी हमारे राष्ट्र में समतामूलक समाज की संकल्पना की प्रासंगिकता है। जहाँ विश्व चांद पर जा रहा है, कंप्यूटर निर्माण कर रहा है, कोरोना जैसे महामारियों से लड़ने के लिए हजारों टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं, नो डाउट हमारे भी देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जा रही है, लेकिन हम किस समाज की ओर हैं? क्या आपके समाज का कोई अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसे आप SC ST कहते हैं वो जब आरक्षण की बात उठाता है तो आप तलवार निकाल देते हैं? नो डाउट आरक्षण में बहुत गलत नीतियाँ भी, लेकिन हम इसका नीतियों को दूर कर सकते हैं मिल कर करके, बैठ करके, बातचीत करके। और हमारा समाज सदियों से गौरवान्वित करने लायक रहा, हमारी समाज की संस्कृतियों पर विदेशियों का आक्रमण होते रहा,